गाइस ये बहुत सारे कम्बल क्या यार, मतलब अब मोटे वाले रजाई की जरूरत थी तो मम्मी ने खरीदी थी मेरे लिए नई सॉफ्ट वाली चाहिए थी भाई। ये उठा के लाई हूँ, सांस फूल गई। अब इसको लेके जाना है अपने फ्लैट तक। देखते हैं यार कैसे कैसे सामान को एडजस्ट करके लेके जाऊंगी। ले तो आई मैं सारा एक बार में, क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं था। इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, दो बढ़ जाना, कान भी ठंडे हो गए मेरे। राधे राधे सभी भैया ने, मैं बुलंदशहर से तनिषा वर्ड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और गाइज आपने देखा था मेरे पहले वाले व्लॉग में कि हमारे घर में फंक्शन था और आज मैं जा रही हूँ। बाय मम्मा। अम्मा आगे बैठ जाओ आप। सो गाइज हम लोग काफी देर से घर से निकल गए और मौसी का आ गया अब सिकंदराबाद। हम मौसी को छोड़ देंगे अपने को सिकंदराबाद। ये कहने कोई मौसी है, वैसे तो मेरी मम्मी लगे इनसे ना, मेरी मम्मी ने मुझे गोद लिया था। यही मेरी असली मम्मी है। अभी हमारे पापा आए ना, वरना वो आ जाते ना रोड पे, वो सही से आपको बताते। क्या क्या बता मैं मौसी मौसा जी यूँ बताएंगे, दो रोटी में दिए हमने तो अब दो रोटी कर देंगे वापस और तुझे ले लेंगे। यार या तो ऐसा मैंने सोच लिया है या है ये ऐसा सच्ची में, पता है यार मैंने सोचा नहीं है, बट ये बात मैंने बहुत बार नोटिस करी है, ये गाड़ी मुझे जमती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लोग घर से निकले थे ना, तब भी स्टार्ट नहीं होती। इसमें 2-3 बार धक्का लगा, कोई बात नहीं। भैया ने बोला कि रास्ते में मतलब कॉलेज से फ्री हो गए, जब ठीक करा लेना। मैं ठीक है जब करा लूंगी मैं ठीक। अब भाई उसके बाद में ठीक कराने वाली बात ठीक है, फिर इसमें पिंचर मैंने हवा डलवा ली, फिर इसमें पिंचर हो गया, फिर से इसमें पिंचर हुआ 3। हाँ एक दिन हम लोग शिवा भैया है हमारे, उनकी शादी में जाने जा रहे थे मम्मी और मैं, उनकी हल्दी थी मतलब, तो तब भी इसमें पिंचर हुए 3। यार ये गाड़ी सच्ची है, मुझे अब तो लगता है मुझे जमती नहीं इसमें। जब भी मैं इसे लेके जाती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर घटी है। पहले स्टार्टिंग में जब लेके गई ना गाड़ी ने मेरा बहुत हौसला तोड़ा, पर मैं फिर भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने छोड़ी नहीं। यार पता है जब स्टार्टिंग में हम लोग कार लेके जाना बस हवा निकल गई शुरू करें और गाड़ी हमारा साथ छोड़ दे, तो बहुत मतलब हम लोग ऐसे हो जाते एकदम से डीमोटिवेट, बट मैं नहीं हुई। अब देखो यार फॉग हो रहा है काफी अच्छा वाला, अच्छा है मैं लेट ही जा रही हूँ। अगर मैं सुबह जा रही होती ना भाई गाड़ी नहीं चलती, इतना तकड़ा फॉग होता। और सही है यार, मम्मी ने भी कह दिया था कि आराम से जाना, अब पहुँचते हैं कॉलेज। बट यार मेरा जाते टाइम ना, कल भी मुझे अपने फादर की बहुत याद आती है, आज जाते टाइम भी मेरा बड़ा मन सब दुखी हो रहा था बहुत ज़्यादा यार। तो गाइस ये देखो कितना जाम है भाई, देखना अभी जगत पे बहुत तकड़ा वाला जाम था। कह रही यहाँ तो रुक गया, यहाँ नहीं कह सकती इतना जाम है। मैं सोच आ नहीं था इतना तकड़ा जाम क्यों रहा, बट 2 ही क्लास बची यहाँ था, उसमें से मैं लेक्चर निकल गया, 1.5 लेक्चर करने जा रही हूँ मैं कॉलेज में। बस आ गई सब डर लग रहा है भैया, आज भी सिटियों पर कोई नहीं है हमेशा की तरह। तो गाइस मैं कॉलेज से निकल गई और यार कसम से इतनी ठंड हो रही है, इतनी भयंकर वाली ठंड, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, मेरे को तो पेट में भी ठंड लग रही है भाई। मुझे सबसे पहले यही होता है, ठंड हो ना पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, और हल्का हल्का सा फॉग तो परमानेंट रह रहा है यार। अगर हम ठंड ना पड़े तो हम लोग कहते हैं कि ठंड नहीं पड़े पड़े तो हम दुखी भाई। और ठंड पड़े तो हम दुखी भाई, हम लोग सब तरीके से दुखी हैं, ये बात तो है। अगर ज्यादा गर्मी नहीं, अगर गर्मी नहीं पड़ती तो क्या, फिर गर्मी कहाँ पड़ी, अब पड़ जाए तो ज्यादा गर्मी पड़ गई, हद है यार हम लोगों से भी। और यार आज ना ये बात तो है, मतलब बड़ा मुश्किल हुआ था मेरे लिए कॉलेज आना, कभी गाड़ी ये हो कभी वो हो कभी पंचर हो, सीरियसली बहुत ही मुश्किल पड़ गई थी मेरे लिए तो। यार मैंने देखा है कि इसमें ना कार में हमेशा हो जाता है, और मैं ना मम्मी से नया ब्लैंकेट लेके आई हूँ अपने लिए, ये बहुत सॉफ्ट सा था। अब आप लोग जैसे सोच रहे हो कि वीडियो में देख के कि भाई ये पीछे क्या है, तो मैंने इसलिए खुद ही एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो, आपके मन में कोई विचार ना रहे
क्योंकि यार ठंड ज्यादा बढ़ गई, तो मम्मी ने मोटे वाले कम्बल खरीद के लाई थी मेरे लिए, वो ही दिए हैं मुझे। यार ऐसे मौसम में बस एक ही चीज याद आती है, गरम गरम खाना। भाई मुझे ठंडा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे गरम ही फूड पसंद है। अब यार बस यही दुआ है कि घर जाऊंगी भैया से, अपने से आज मम्मी नहीं है मेरी, अच्छा सा खाना बनवाऊंगी। यार ये मत करने लगी हूँ मैं आजकल, हुक्को चलाने लगी हूँ। पहले ना ऐसा करती थी मैं, अपने भाइयों को कुछ बना के खिलाती थी, अब मैं पूरे ऑर्डर चलाती हूँ उन पर। ऑर्डर नहीं यार, मैं थक जाती हूँ, उन्हें भी पता है, मतलब एक तरीके से कुछ भी बोल लो अब कि भाई आप ही खाना बनाओगे, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तो नहीं पता, आप ही बनाओगे। और है भी अच्छे यार, बना भी देते हैं मेरे लिए। सो गाइस मेरी ना फैमिली में किसी ने, कल हमारे घर पे फंक्शन था ना, आपको पता है, यार नाम रिवील नहीं करूँगी, भाई हमारी फैमिली में ना कोई मेरे ने लड्डू लाया था बना के, और इतने टेस्टी लड्डू भाई, इतने टेस्टी लड्डू मैंने कभी नहीं खाया अपनी ज़िंदगी में कभी, मतलब इतने टेस्टी हैं कि मैं एक लड्डू पूरा मुँह में डाल लेती हूँ एक बार में। सच में ये बहुत टेस्ट वाले होते हैं ना, वही वाले लड्डू हैं। मुझे लड्डू बहुत पसंद है, बट ऐसे नहीं अच्छे वाले, एकदम ड्राई फ्रूट के, गोंद के, तो वही वाले हैं। और उन्हें खा के ना, काली मिर्च होती है, सफ़ेद मिर्च होती है, दखनी मिर्च, वो सब डली हुई है, उससे ना मेरी ठंड भी उतर जाती है। फिलहाल तो यार अभी काफ़ी सारा सामान हो रखा है मेरे पास, इसे ले जाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे ऊपर। सो गाइस ये बहुत सारे कम्बल क्या यार, मतलब अब मोटे वाली रजाई की ज़रूरत थी तो मम्मी ने खरीदी थी मेरे लिए नई सॉफ्ट वाली चाहिए थी। भाई ये उठा के लाई हूँ, सांस फूल गई। अब इसको लेके जाना है अपने फ्लैट तक, देखते हैं यार कैसे कैसे सामान को एडजस्ट करके लेके जाऊँगी। ले तो आई मैं सारा एक बार में, क्योंकि भाई मेरे बस की नहीं था, इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, दो बार जाना कान भी ठंडे हो गए मेरे।